स्वागत है आपका बीजापुर बिजनेस बिजनेस का फंडा में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। आज हम ठहरे हुए हैं टीपू सुल्तान सर्कल में। टीपू सुल्तान सर्कल में पिछले 3 साल से एक चश्मे की जो गाड़ी पर फुटपाथ पर जो चश्मे का कारोबार करते हैं आफताब अहमद अदोनी, जो पिछले 3 साल से वो यहीं पर चश्मे का कारोबार करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके इस गाड़ी में हर नमूने के हर चश्मे यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं बिजनेस का फंडा। तो उन्होंने अपने इस छोटे से कारोबार को बिजनेस को किस तरह से शुरुआत की और वो आज कौन से पोजीशन में हैं और वो कितना मुनाफ़ा रोज़ाना लेते हैं और इनका गुज़र बसर कैसे चलता है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफताब अहमद है। जैसे कि मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है लगभग 3 साल से मैं इस टीपू सुल्तान सर्कल में यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में फ़िलहाल ये बोर्ड नहीं था तो हम स्टार्टिंग में जो है वो चश्मे लगाते थे, नीचे चश्मे लगाते थे। तो मेरा यानी 10,000 से मैंने स्टार्ट किया बिज़नेस। तो इतना मुझे आइडिया नहीं था तो मेरे डैडी ने मुझे आइडिया दिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उस 10,000 को है आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लगभग कभी 10,000 20,000 ऐसा हमारा इम्प्रूविंग होते जा रहा है। जैसे कि अभी मैं एक चश्मा ले रहा हूँ तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 रुपीज़ का चश्मा लिया है तो उसके पीछे मुझे लगभग 20 रुपये भी अगर मुझे मिलते हैं ना तो मैं वो दे देता हूँ, क्योंकि इससे बिज़नेस का रोलिंग होता है। ये आप कहाँ से लाते हैं? ये जैसे कि मैं मुंबई से, हैदराबाद से, मैं हर जगह से अपनी एक क्वालिटी कलेक्शन करता हूँ क्योंकि कस्टमर क्वालिटी मांगता है। तो उस क्वालिटी को मैं लेके आता हूँ कि हर एक को जहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलती वो मेरे यहाँ पर मिले, क्योंकि कस्टमर यहाँ से खाली नहीं जाए, वो सब सामान मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। और जैसे कि सर मैंने स्टार्टिंग में जो है यानी मैं मुझे भी ज़्यादा घर पे ही बैठा रहता था तो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था कि धंधा कैसा करना है क्या करना है। तो कॉलेज जाके आया मैं, कॉलेज से जब फ्री हुआ मेरी एजुकेशन 12th तक का मैंने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं घर पर ही था, फिर मेरे डैडी ने मुझे आइडिया दिया कि मुझे कैसा बिजनेस करना चाहिए। जैसे कि डैडी ने मुझे 10,000 दिए, बोले जा इसका माल लेके आ, माल लेकर आके तो इसका बिजनेस स्टार्ट कर और इसमें ही जो कुछ करना है तुझे इसमें ही करना है। तो उस वक्त आपको आपके जहन में यह आया कि कभी मैं लॉस होऊंगा तो क्या होऊंगा, अगर ऐसी हाँ। कुछ बात आपके जहन में आई? जी उस टाइम पर जहन में आया था, बट डैडी ने ये भी बात मुझे बताई थी कि बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहता है तो उसका टेंशन नहीं लेना, आपको हिम्मत नहीं आना है और आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है। और आप जैसे कि माल लेके आ रहे हो 10,000 का माल लेके आ रहे हो तो उस 10,000 को 20,000 करने की सोचो जी। जैसे कि अभी मैंने 10,000 का माल लेके आया वो 20,000 करने की सोचो, वो 20,000 से आप अपना 10,000 निकाल दो, कोई भी माल रहने दो, मैं चश्मे की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जैसे कि कपड़ा हो गया या फिर लेडीज़ आइटम हो गए यानी कुछ भी लिपस्टिक एयर ईयर वो ऐसा कुछ भी हो गया तो उसको तुम लेके आके लॉट में बिजनेस लगा सकते हो। भले से आपको उसमें आपको 10 रुपये ही क्यों ना मिल रहा हो उसको बढ़ाने की कोशिश करो, लॉट में माल लेके आओ डालो बिज़नेस करो, ऐसी नहीं कि रोड पर। रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें बहुत कुछ देता है, रोड पर रहने से हमारी इज्जत कम नहीं होती है, रोड पर रहने से रोड से इंसान बड़ा होता है। जैसे कि अंबानी भी ऐसे ही नहीं, वो भी वड़ा पाव की गाड़ी लगाता था, वैसे करते करते वो अपनी बिज़नेस को आगे बढ़ाया, तो हमें भी कुछ ना कुछ करते करते आगे बढ़ना है। और जैसे कि अब्दुल कलाम भी, वो भी पहले छोटे ही थे, वो भी अपनी बिज़नेस आप उन्होंने भी दिमाग लगा के कुछ साइंटिस्ट बने, वो भी अपने इम्प्रूविंग करे। ऐसे अपने को जो है धंधे में ध्यान देना चाहिए, काम धंधे में, घर पे बैठ के हमारा कुछ बेनिफिट तो होने वाला नहीं है। हम चश्मे लेके आके जैसे कि मैं चश्मा लेके आता हूँ, लेके आकर सेल करता हूँ, उसको सेल करके जो इसका प्रॉफिट होता है मैं अलग से रख देता हूँ। प्रॉफिट रख के क्या करता हूँ, जो मेरा चश्मे का जो कॉस्ट होता है वो निकाल लेता हूँ, फिर उसका मैं माल लेके आता हूँ, माल लेके आके फिर मैं उसका प्रॉफिट निकालता हूँ, फिर वो जमा करता हूँ। ऐसा करते 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 मैंने अपने बिज़नेस को सक्सेस कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर जगह के कस्टमर आते, हुबली हो गया, बेलगम हो गया और हमारा जमकंडी हो गया, जमकंडी से भी लोग आते और हर संडे को मेरे पास हर एक वैरायटी आती है
हर वीकली मैं वैरायटी लेके आता हूँ, लोगों को बताता हूँ और लोग मेरे पास हर कोई आके लेके जाता है और मेरा डेली रूटीन होते रहता है इसमें। अभी चश्मे यहाँ पर जो आप लगाए हुए हैं, तो अभी मैं मिसाल के तौर पर अगर आप ये चश्मे का आपको जो बॉम्बे से लाते हैं होलसेल रेट में लाते हैं, तो ये चश्मा होलसेल रेट में कितने में आपको पड़ता है? लगभग मेरे को देखिए 60-50 रुपीज़ का पड़ता है, तो मैं उसको 80 में दे देता हूँ। जी जी, 100 में दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ। यानी 50 रुपीज़ 80 रुपीज़ का मैं चश्मा लेके आता हूँ, 50 रुपीज़ का लाता हूँ तो मैं उसको 80 में देता हूँ। मेरे को 30 रुपीज़ भी बेनिफिट मिल रहा तो मैं उसको बिजनेस करता हूँ। मेरे पास से कस्टमर कहीं और नहीं जाना चाहिए। यानी कस्टमर को मैं इतना इम्प्रूविंग करता हूँ, उसको इतना ये करता हूँ, बताता हूँ कि वो मेरे पास से लेके ही जाता है। और कभी भी कस्टमर पर इरिटेट होकर बात नहीं करना चाहिए। जैसे कि सिंपली पोलाइटली पेश आओ कस्टमर से, जितना पोलाइटली पेश आओगे उतना कस्टमर आपसे बढ़ेगा। नहीं ले रहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आके लेगा वो, 10 बार देखेगा लेकिन नेक्स्ट टाइम आके आपके पास ले जाएगा वो, ये 100% है। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते जो कि मेरे पास हर वैरायटी मिलती है। आप देख सकते हो मेरे पास हर क्वालिटी के चश्मे आते हैं, जैसे कि कबीर सिंह के चश्मे हो गया, जो नया नया पैटर्न निकल रहा है टिकटॉक का पैटर्न है, वो भी पैटर्न मेरे पास अवेलेबल होता है। बच्चों की हर क्वालिटी होती है, स्पोर्ट्स की क्वालिटी है, डे नाइट क्वालिटी है, रेबन फर्स्ट कॉपी, मैं सब रखता हूँ, मेरे पास सब अवेलेबल है ताकि हर कोई आके मेरे पास से कलेक्ट करके जाए। तो आपने बताया कि ये लगभग 3 साल हुए आपको ये बिजनेस? जी जी। तो आप प्रॉफिट में है, कभी लॉस नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कभी लॉस में नहीं कराया, मैं हमेशा यानी सक्सेस होते जा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग की दुआ होगी तो मैं और सक्सेस होने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई लोग, अगर आपके पास पैसा है तो उसको गलत जगह पे वेस्ट मत करो। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो तो उसको वेस्ट मत करो। आपके जो हैसियत है, आपकी जो जितनी इनकम है, आपके पापा की जितनी इनकम है, उस इनकम के हिसाब से आप अपना खर्चा करो, उसको वेस्ट मत करो। वो पैसे को बिजनेस में लगाओ, जैसे कि कोई धंधा करो, कोई बिजनेस करो, कहीं पे काम करो। कोई काम करने से इंसान छोटा नहीं होता है, भले से वो होटल में पहुँचने का काम क्यों ना होता कि नहीं, आप उसको करो ताकि वो उससे आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी, आप उसको और बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। आप आज अगर ये धंधा करे हो रोड पे तो कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। आपको अल्लाह इंशाल्लाह आप उसका दुकान खोलोगे, आहिस्ते आहिस्ते धंधा करते करते क्या है आगे बढ़ेगा आपका, और जैसे कि प्रॉफिट आपको और मिलेगा। इसमें लॉस के बारे में कभी मत सोचिए, प्रॉफिट एंड लॉस तो ज़िंदगी का फंडा है। कभी कभार चलता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी नर्वस नहीं होने का। जो कुछ भी मर्ज़ी है अल्लाह की मर्ज़ी है, भगवान की मर्ज़ी है, सब उसके हिसाब से चलता है, उसके बारे में मत सोचो। आप अपनी हिम्मत करके आप उसको बढ़ाओ, और आपका जो काम है कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आपका पापा का कोई भी बिजनेस होता कि नहीं, उस बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश करो। भले से आपके पापा किले की गाड़ी लगाते कि नहीं, उसको आप बढ़ाने की कोशिश करो। या फिर कहीं पे जैसे कि किराना शॉप होता है, उसको ऑनलाइन डालो। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोनपे भी करवाया है, ताकि मेरे पास कोई कस्टमर आए तो रिटर्न नहीं जाए, उसके पास कभी कैश नहीं होगा तो फ़ोनपे कर देगा वो। फ़ोनपे कराया मैंने, और व्हाट्सअप पे ग्रुप बना के अपने जो है ग्रुप में सब चश्मे छोड़ते रहता हूँ, व्हाट्सअप पे छोड़ते रहता हूँ, ऑनलाइन पे ओएलएक्स पे डालता हूँ। जी जरिया है, मैं ओएलएक्स पे डालता हूँ, ओएलएक्स से करता हूँ। आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लेके आइए, माल लेके आइए, कलेक्शन ले, आप जो कुछ भी लाओगे उसको ऑनलाइन डालो, ऑनलाइन कनेक्शन करो, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उस पर डालो आप, उस पर भी आपका सेल होएगा। आहिस्ते आहिस्ते सब बढ़ते बढ़ते काम हो जाएगा आपका। अगर कोई जो है नौजवान आपसे प्रेरणा लेकर कोई इसी तरह की एक छोटी सी गाड़ी फुटपाथ पर चश्मे का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसे कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आज के हालात में? आज के हालात में लगभग आप देखिए, अगर चश्मे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 20,000 या 30,000 आपके लिए आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लगभग 100 या 200-300 चश्मे भी लाते हो तो आपका उसमें आराम से टर्नओवर हो जाएगा। उसको क्या कीजिए, आप अगर 20,000 का चश्मा लेके आ रहे हो आप, तो उसमें वैरायटी लेके आइए, एक ही चश्मा मत लेके आइए। जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि टिकटॉक के ग्लास हो गए, या फिर अलग अलग क्वालिटी हो गई, फ्रेम की क्वालिटी हो गई है, मेरे पास हर तरफ की क्वालिटी आप लेके आइए। एक ही तरफ मत देखिए, 200 जगह जाके देखिए कहाँ आपको अच्छा मिलता है, कहाँ रिजनेबल मिलता है, कम से कम में कहाँ मिलता है, वहाँ से आप परचेस कीजिए, परचेस करके सेल कीजिए।
तो ऐसा आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक साथ लेके आके जमा करके आप उस बिजनेस को चालू कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो इसके लिए कोई नॉलेज होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कि हमारे पापा चश्मे का दुकान लगाते थे, मैं भी अब चश्मे, उससे जो पूरा एक्सपीरियंस होता है तभी जाके वो चश्मे का दुकान खोल सकता है या डायरेक्टली वो चश्मे लाकर बेचने का काम कर सकता है। देखिए सर, पहले तो आपको थोड़ा बहुत तो यानी ठोकर लगेगी, लेकिन आप उसको आगे सुधरोगे। स्टार्टिंग में आप अगर उसको सीखो बोले तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर बच्चा बड़ा भी होता है तो माँ की गोद से कुछ सीखकर बड़ा होता है, डायरेक्ट बड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए आपको जो है ना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो जाएगा, फिर स्टार्टिंग करते 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 आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। ये आपकी ये जो न्यूज़ देकर अगर कोई आपसे आकर मिलता है कि मुझे इस धंधे के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में कुछ सिखाइए, मैं भी ऐसा बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आप क्या उन्हें सिखा पाए सिखाएंगे? जी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो आना चाहता है तो मैं उसको वेलकम करूँगा, बताऊँगा। हाँ, क्योंकि इससे अगर किसी की लाइफ सुधर रही है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला है, तो मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। आप आइए, मुझसे रब्ता कीजिए, मैं ज़रूर आपको इस चीज़ की नॉलेज दूँगा। मेरा नाम आफ्ताब अहमद अधूनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने भी जो है हमारे हर एपिसोड में ये बात कहते रहते हैं कि बिजनेस चाहे हो कितना भी छोटा क्यों ना हो, लगन मेहनत से हम उसको परवान चढ़ाएंगे। तो इसी तरह के भी हमारे अधूनी जो बहुत ही संघर्ष करके 3 सालों में आज वो यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्होंने एक और बात कही कि अब बिजनेस कितना भी छोटा क्यों ना हो, आजकल जो चल रहा है ऑनलाइन पे डालिए, अमेज़न पे डालिए, फेसबुक पर डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, ग्रुप में डालिए, इससे क्या है आपके कस्टमर और आएंगे और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।
बागमारी चिकन कॉर्नर में आपको होम डिलीवरी अवेलेबल मिलेगी सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक। ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡೇಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 100%, 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಮದುವೆ ಸಂತಾನ ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ ಸಾಲಬಾಧೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಣ ನೆಮ್ಮದಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535300661